झाबुआ पुलिस द्वारा वैध शराब की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस द्वारा एक सप्ताह में तीसरी बार लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई है, जिसे परिवहन कर गुजरात ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है और लगातार अवैध गतिविधियों पर लगाम कसी जा रही है। इसी क्रम में एक बार फिर झाबुआ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने पितोल बैरियर से अवैध शराब से भरा एक कंटेनर पकड़ा है, जिसकी तलाशी लेने पर 728 पेटी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही। फिलहाल पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही पूछताछ शुरू कर दी है। सर, विगत रात्रि को पिटोल बैरियर पर पुनः अवैध शराब पकड़ाई सर। जी हाँ, ये पिटोल चौकी द्वारा पुनः अच्छी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर RJ10GB7915 से जो है 728 पेटी शराब जब्त की गई है और इसमें जो आरोपी ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहाँ से लाई जा रही थी और इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये शराब अंग्रेजी थी या देसी? अंग्रेजी शराब है। अंग्रेजी सर, अभी मुख्य जो सरगना है, अभी तक तीसरी बार पकड़ाया गया है, इतना बड़ा लाखों की लागत से अवैध शराब पकड़ी है, मुख्य सरगना पकड़ाया गया सर, अभी तक नहीं पकड़ाया? क्या इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।